रुक करते हैं प्रदेश की ओर। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के त्यून सरयून धार में एक बैठक का आयोजन हरलोग में किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरलोग बीडीसी सीमा शर्मा ने की। इस बैठक में युवा नेता आशीष ठाकुर ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के त्यून सरयून धार में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरलोग बीडीसी सीमा शर्मा ने की। इस बैठक में युवा नेता आशीष ठाकुर व अन्य विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आशीष ठाकुर ने कहा कि आज दिन तक त्यून सरयून धार के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नाम पर छला गया है। युवा ने बताया कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या उपतहसील की है। यहाँ के लोगों को तहसील के कार्य करवाने के लिए घुमारवीं का रुख करना पड़ता है। इस क्षेत्र से घुमारवीं की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसकी वजह से समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। आशीष ने कहा कि इस समस्या को लेकर उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और नजदीक की सभी पंचायतों के प्रधानों से प्रस्ताव पारित करवाया गया था, जिसके प्रति एक साल पूर्व जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी जा चुकी है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द हरलोग को उपतहसील का दर्जा दिया जाए। हरलोग इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है और इस क्षेत्र के अंतर्गत 5 पटवार सर्कल आते हैं, जो कि उपतहसील के मापदंडों को भी पूरा करते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर अगले 3 महीने में सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला जाती है तो आगामी समय में जिलाधीश कार्यालय और सरकार के प्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। आशीष ठाकुर, आज हमारी त्रियुण सरयून धार की 9 पंचायतों की बैठक हरलोग में संपन्न हुई। जो बैठक में इस धार से संबंधित विभिन्न मुद्दों के ऊपर विस्तृत चर्चा की गई, जो इस धार के लोगों की मुख्य समस्या है वो उपतहसील की है, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोगों को अपना तहसील का काम करने के लिए घुमारवीं का रुख करना पड़ता है, जिससे कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हमने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द हरलोग को तहसील का दर्जा दिया जाए, क्योंकि ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, पिछले बहुत समय से ये मुद्दा चलता आ रहा है। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान तक हो चुका है, सभी पंचायतों से प्रस्ताव पारित कर माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से श्री जयराम ठाकुर जी, जो कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भेजे गए या भेज चुके हैं, पर आज तक ना ही प्रदेश सरकार की तरफ से ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है। बैठे हुए उपस्थित लोगों ने सरकार को चेताया कि जल्द से जल्द अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक उग्र आंदोलन चलाया जाएगा और इस आंदोलन की जो जिम्मेदारी रहेगी वो प्रदेश सरकार, वो जिला प्रशासन की होगी। धन्यवाद।